दिख रहे एक साथ खड़ा भी नहीं एक जगह हाँ। एक जगह खड़े तो भाभी तो गाइस देखिए बरगद का पेड़ के पास आ गए हैं और गाइस देखिए अब यहाँ सामान रेडी कर रहे हैं भाभी अब पूजा में जाने के लिए सब सारे चीजें ले लिए और सविता जी लोग भी आ चुके हैं देखिए आज का पूजा का तैयारी करने के बाद मतलब सब कुछ जो उसने सामान लेके आना था वो सारी चीजें लेके आने के बाद भाभी तो उधर नेलमेंट लगवा रही थी उसका गाइस और भी बहुत सारा काम था मैं एक चीज लाना भूल गया था वो था गाइस भाभी जी का गजरा जो कि इसमें गजरा का भी इम्पोर्टेंस है तो वो लाना भूल गया था मैं तो वो लाने का गाइस अभी मस्त स्नान वगैरह करके आ गया हूँ और देखिए रेडी वेडी हो गया बिल्कुल और भाभी भी गाइस रेडी हो चुके हैं और वट सावित्री पूजा के लिए अब तैयार है बिल्कुल मतलब अपना आज बहुत दिन के बाद भाभी साड़ी पहनी और गाइज बहुत ज्यादा ही अच्छी लग रही है बहुत सुंदर लग रही है भाभी तो आपको भी दिखाते हैं गाइज अभी और भाभी भी घर में पूजा कर रही हैं उसके बाद गाइज हम लोग वेट कर रहे हैं सविता दी का सविता दी आएंगे उसके बाद गाइज हम लोग जाएंगे बाहर जो वट का वृक्ष होता है वहाँ पे पूजा करने के लिए चलिए सबसे पहले आपको भाभी से मिलवाते हैं कि आज भाभी मतलब तैयार हुई ओ भाई सब क्या मस्त लग रही है तो चलिए आपको दिखाते हैं तो गाइज ये मिलिए भाभी से यहाँ पूजा कर रही है देख रहे क्या मस्त तैयार हुए हैं हाँ है माचिस से लिए तो गाइज आप लोग कमेंट करके बताइए कि भाभी कैसी लग रही है आज वैसे तो बहुत अच्छी लग रही है साड़ी में तो भाभी वैसे बहुत अच्छी लगती हैं भाभी इधर देखिए एक मिनट देखिए इधर क्या बात मस्त लग रहा है तो ये देखिए गाइज अभी सब कुछ यहाँ यहाँ तो पूजा कर ली है वहाँ पूजा कर ली मंदिर में और यहाँ पे जो वट वृक्ष के पास जाने के लिए सब कुछ थाली अपना सजा कर रखे देखिए इसमें लीची खीरा तरबूज वाले में था देखिए लीची खीरा इसमें पानी आएगा और चना वाना रखा हाँ लेके आ रहा आम भी अच्छा आम भी इसमें और भी सारा गैस चीज रखाना बाकी है और ये देखिए सुबह जो मैं गया था वट का पत्ता लेके आया था देखिए ये पूरा डंटा ही लेके आया था उसी में से ये पत्ता भी निकला तो सविता जी कितने देर में आएंगे यहीं का लोकेशन भेजा था तो ये देखिए गाइस आम देख क्या मस्त पीला पीला आम लेके आया था कल मैं है ना मस्त एकदम देखिए टाइट टाइट है आम तो इसमें क्या पानी ले जाएंगे कि दूध भी ले जाता है इसमें पानी ले जाएंगे अच्छा भैया तैयार हुए कि नहीं बस जाने से पहले याद रखना इसमें तरबूज काट के डाल देना तो अभी काट दे रहे हैं ना थोड़ा पानी में डाल दिया अभी ठीक है पानी में टाइम है ना मेरे साथ ठीक हो गया तो इधर भैया तैयार नहीं हुए हैं कहां टी शर्ट पहने भाभी उधर देखिए क्या मस्त दिख रहे तैयार हो गए एकदम मस्त तो आप क्या पहन रहे आज आप क्या पहन रहे बाप रे कोई मेरे घर में बेडशीट तो बिछाने वाला सही में यार इतना सुंदर से तैयार हूँ आपको फिर भी आज भी टेंशन क्यों ले रहे हैं बिछा दे रहे हैं ना भाभी अपना साड़ी पहना कीजिए यार बड़ी मस्त लग रहा है साड़ी में लेकिन और डेली ऐसी तैयार होकर रही है बिल्कुल भैया सामने खड़ा हुए आप लोग दोनों सामने खड़े देखते हैं कैसा आप लोग दिख रहे हैं एक साथ खड़ा हुए ना एक जगह हाँ एक जगह खड़े हो भाभी वाह ये क्या शादी का है भाभी वाला चुंदरी शादी वाला है ना नहीं, नहीं है शादी का अच्छा नहीं है नहीं हमको लग... हमको लगा तो इसकी बात कर रहा है नहीं हमको ये चुंदरी लगा सब लगता है वो मतलब क्या उसे शॉपिंग लगा दो गाइस आज तो भाभी बिल्कुल जहर जहर ढा रही है जहर हाँ देखो नाची और है भाभी यहाँ गाना गाते गाते बताइए डेली जो सूट में टी शर्ट में घर में पड़े रहते हैं आज एकदम मस्त तो इसको भी लेके जाइए क्या उड़ के अच्छा तो भैया शर्ट तो पहन लीजिए अच्छा अच्छा भैया ये निकाले पहनने के लिए कि ये वाला शर्ट है क्या भाभी चुंदरी चुंदरी जयपुर से मंगवाई सपना चौधरी वाह ये क्या मस्त फोल्ड करवाया बाप रे बाप दिखाइए भाभी इधर दिखाइए कैसा दिखाइए कैसा दिख रहा दिखाइए ना कैसा लग रहा अरे गजब का लुक आ गया बंगाली लुक आ गया बिल्कुल
उन लोग का दोनों साइड पल्लू होता है ना, दोनों कंधे पे, उसी तरीके से मस्त लग रहा है भाई। भूख लग रहा है, कुछ बनाए क्या आप तो व्रत में आज? अच्छा सत्तू बना, कौन आदि बना रहे हैं? चलिए गाइस देखें, आदि सत्तू बना। अच्छा साले अकेले अकेले पी रहे हैं, वाह। अच्छा सिला दिया तूने, कब हम तो सुने नहीं एक बार आवाज। अरे अच्छा यहाँ रखे बना के, ओ गाइस ये देखिए यहाँ रखा हुआ बना के। तो एक मेरा है, एक भैया भी, भैया पियेंगे? भैया आज आपका व्रत है, आप पीजिएगा। अबे आज मतलब क्या हम करवा चौथ कर रहे हैं, मेरा व्रत रहेगा। अच्छा ओ मतलब खाली भाभी व्रत में रहेंगे, ओ कितना नाइंसाफी है बेचारे के साथ। चलिए हम पी लेते हैं जाके, लूट मचाता है लोग। तो कितना खर्चा बिल फटेगा भाई आज? मेरा काहे में बिल फटेगा? क्यों फटेगा, कंजूस आदमी का थोड़ी होता है सब कुछ। ओ भाई साहब पीन गड़ा रहे, देखिए दांत पीस के मार रहे भाभी, देखिए जल्दी। और अभी थोड़ी देर बाद पर भैया सही से सेट नहीं कर पाए, तो अब निशी हमारी सुपरस्टार आई है भाभी को और तैयार करने के लिए अच्छे से। आज तो पूरा भयानक तैयार हुए भाभी, लेकिन तो कैसे उस घर रोड गर्म करके घुमाएगा क्या, लाइटर गर्म करके? फिर आज लाइटर को नाश दोगे तुम लोग। गाइस पिछली बार ही एक लाइटर में ऐसे ही नाश दिया था इन लोगों ने लाइटर को, बेकार हो गया था लाइटर। अच्छा एनिवर्सरी में ठीक है भाभी, आप तैयार होइए, हम जा रहे हैं सत्तू पीने, ठीक है? चलिए गाइस। अरे ये तो गेट लॉक कौन कर दिया? अच्छा निसी रखी है शायद। चलिए सत्तू पीते हैं गाइस। गाइज देखिए अब यहाँ सामान रेडी कर रहे हैं भाभी, अब पूजा में जाने के लिए सब सारे चीज़ें ले लिए। और सविता जी लोग भी आ चुके हैं, देखिए ये जो सविता जी, और ये मिलिए ईशान। ईशान गाइज आप लोग पहले ही मिल चुके हैं ईशान से, फिर से करना था। ओ ईशान हाँ देखिए मामू बुलवा रहे हैं ईशान से, ये मारो ईशान, मारना है मुँह पे पटाख कर, बच्चे को यही सब सिखाइएगा और क्या। तो चलिए हाँ दे भैया प्लेट भी ले लिए हैं। हाँ आप नहीं जाइएगा क्यों? देखिए आप लोग अलग अलग हो, कहाँ चल रहे, एक साथ होकर चलिए ना। आदि अभी अभी किस, आप किसके लिए व्रत रखे हैं? किसके लिए? ओ भाई साहब क्या बात, 95 नंबर के लिए। ये देखिए भाभी को थक रहे दोनों, हम लोग जा रहे हैं बट धूप भी बड़ी तेज हो गया गाइस। ओ भाई साहब ये देखिए गाड़ी का नंबर कितना मस्त है गाइस, गर्मी बड़ी तगड़ी लग रही, बिल्कुल धूप भी तेज हो गया क्योंकि अच्छा धूप में तो पूरा गोरा लग रहा है। देखिए ओ भाई साहब देखिए पीछे भाभी लोग भी हैं, अनिशी भी हम लोग साथ चल रही है, तो चलिए अभी चलते हैं आगे। तो कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग राजा भी? अरे देख रहे वजन हमको पकड़ा लिए भाभी, ये वजन नहीं है, ये वजन है लेकिन इसको आप वजन में अगर कैलकुलेट करते हैं तो आप समझिए एक तरफ से नास्तिक दुष्ट का सुपरवाइजर है, जैसे अपना रवि सुपरवाइजर है ना, बंदा जेन्यून है। भारी लग रहा थोड़ा सा, हम लोग अभी मोटा मोटी कितना मान के चले 95 किलो होगा, 2 किलो के आसपास, 2.5 किलो के आसपास। इसलिए क्या है कि पीते नहीं, एक बात मानना पड़ेगा, फोन में जो है क्वालिटी तो खैर देखिए, पीतल का बर्तन है ना, थोड़ा सा भारी हो गया। और अभी हम लोग जाएगा इस बर्गर के पेट के पास पूजा करेंगे। ये कहाँ पे पड़ेगा मोटा मोटे? ये सामने शुक्र बाजार में। अच्छा मोटा मोटी शुक्र बाजार में है, तो आगे भाभी लोग हैं देखिए, और धूप भी तगड़ा हो रहा है भाई साहब। लाल लाल साड़ी पियर पियर सूटवा, निसी वैसे लग रहा है जैसे कि वो पतला लकड़ी हो गई कपड़ा पहना। तो निसी को देखिए ना हाथ में कितना वजन पड़ गया, मतलब दोनों हाथ में जल है फिर पंखा है, मतलब एक तरफ से देखा जाए तो मान के चले 95 ग्राम लगभग वेट पड़ गया। देखिए हम तो सोचे थे कि वजन हम लेके नहीं जाएंगे, चल रहे लेकिन सर हम ही को सब पकड़ा दिए हाथों नहीं, मेरे हाथ में भी ये देख लीजिए, ये पकड़ लीजिए मेरे हाथ में, मोटा मोटी समझिए तो 1 किलो लगभग ये है। और अब ये सामान के लिए दुकान से कुछ ले लेते हैं तो 2 किलो लगभग हो जाएगा। अच्छा ऐसे उल्टा पड़ जा रहा है कैमरा, हट जाइए राजा गाड़ी आ रहा है। इसी बीच में एक टोटो वाला भी आ गया, एक ही धूप है अब प्लस ही टोटो घुस गया बीच में। तो गाइस देखिए बरगद का पेड़ के पास आ गए हैं और यहाँ पे 12 बजे, लेकिन आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है। हम लोग सोचे थे कि टाइम ज़्यादा हो गया है भीड़ होगा नहीं, लेकिन अभी देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है, ये देखिए
जहाँ पे दीदी है और एक दीदी आई हुई है। और ये देखिए पूजा हुआ नहीं है, प्रसाद के लिए बच्चे लोग आ गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको प्रसाद चाहिए? प्रसाद मिलेगा अभी, थोड़ा देर में मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इंतजार करें, सब्र का फल मीठा होगा। मीठा में जैसे मान के चलिए 95 भी मिल सकता है।